Hello everyone, my name is Piyush and in this video, we are going to see how we can make API calls in Redux. So making an API call in Redux is not that straightforward, ठीक है? जैसे JavaScript में हम क्या करते थे? हम सिर्फ एक fetch का use करते थे, हम data को API से retrieve करते हैं and we use the data. लेकिन Redux में ऐसा नहीं होता है. Redux में we have to use something known as Redux Thunk, okay? तो अब ये Redux Thunk क्या होता है? Redux Thunk एक मिडलवेयर है जिसके थ्रू हम एक एक्शन को डिस्पैच करते हैं. ये एक्शन क्या करता है? हमारे लिए API कॉल करता है एंड जो भी डेटा आता है उसको हमारी स्टेट में सेट कर देता है. ओके, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक समझने आ रहे हैं हम Redux में API कॉलिंग कैसे कर सकते हैं एंड वॉट इज़ Redux Thunk. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो दैट इज़ कम्प्लीट React Redux ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके पहले आप उस वीडियो को देखें एंड देन यू कैन रिज्यूम दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्यूटोरियल. सो व्हाट आई हैव डिड, मैंने क्या किया, एक एम्प्टी रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाया, राइट? तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ. सो दिस इज़ एन एम्प्टी रिएक्ट प्रोजेक्ट. ओके, सो इसमें हम अपना API का कोड जो है Redux API का कोड इसमें हम लिखने वाले हैं. सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, आई विल डू npm इंस्टॉल. ओके, रिएक्ट Redux, हमें रिएक्ट Redux को इंस्टॉल करना है एंड विल बी यूजिंग Redux toolkit. ओके, बिकॉज फॉर API कॉलिंग आई विल बी यूजिंग Redux toolkit एंड व्हाई वी आर यूजिंग Redux toolkit वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो आई विल बी सेइंग redux.js/toolkit. सो लेट्स वेट फॉर द डिपेंडेंसीज टू इंस्टॉल. ओके, तो मेरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी है. नाउ वी कैन बिगिन विद द कोड. तो मैं क्या करूँगा, आई डू एन npm स्टार्ट. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट एक बार स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो आवर प्रोजेक्ट इज नाउ रनिंग. लेट्स सी हम API कॉलिंग कैसे कर सकते हैं Redux में. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल मेक अ फोल्डर. ओके, आई विल बी मेकिंग अ फोल्डर हियर. ठीक है, इसके अंदर आई विल बी हैविंग अ फाइल store.js. तो इस store.js में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा एक स्टोर बनाना है, राइट? तो हम स्टोर कैसे बनाते थे, आई विल बी इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम @redux.js toolkit एंड इसमें हमारे पास एक मेथड होता है कॉन्फिगर स्टोर. ओके, टू मेक द स्टोर. सो आई विल से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर. ओके, एंड आई विल सेट इट इक्वल टू कॉन्फिगर स्टोर. तो इससे क्या होगा, मेरा स्टोर बन जाएगा. तो हमें क्या कर सकते हैं, हमें इसमें क्या देना होता है, रिड्यूसर्स देने होते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारे रिड्यूसर फंक्शंस आने वाले हैं. सो फॉर रिड्यूसर, ठीक है, तो एज यू नो कि हमारे पास Redux toolkit में हमारे पास एक कंसेप्ट होता है स्लाइसेस का, राइट? तो हम इसमें एक स्लाइस बनाने वाले हैं. सो आई विल बी मेकिंग अ स्लाइस एंड लेट्स से ये हमारा एक टू डू स्लाइस है. ओके, बिकॉज आई विल बी यूजिंग द टू डू API, ठीक है, फॉर दिस प्रोजेक्ट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ टू डू .js फाइल. ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक टू डू स्लाइस होगा जिसमें हम API के थ्रू हम अपने टू डूज को फेच करेंगे एंड हम अपनी स्क्रीन पे उसको रेंडर करने वाले हैं. सो व्हाट आई विल से, आई विल से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @redux.js toolkit और इसमें आई विल बी इम्पोर्टिंग क्रिएट स्लाइस मेथड. ओके, क्रिएट स्लाइस, तो एक स्लाइस बनाते हैं. सो आई विल से कॉन्स्ट टू डू स्लाइस. ओके, टू डू स्लाइस, क्रिएट स्लाइस. तो इससे क्या होगा, मेरा स्लाइस क्रिएट हो जाएगा. एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, आई कैन गिव इट अ नेम, आई विल से टू डू. ओके, तो ये हमारा स्लाइस का नेम है. देन वी हैव सम रिड्यूसर फंक्शंस, राइट? सो उसको हम बाद में करने वाले हैं. एंड लेट्स एक्सपोर्ट दिस, लाइक एक्सपोर्ट इट फ्रॉम हियर. सो आई विल से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट नॉट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू स्लाइस डॉट रिड्यूसर. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक स्लाइस बनाया एंड आई हैव एक्सपोर्टेड दिस टू डू स्लाइस रिड्यूसर फ्रॉम दिस फाइल. तो मैं क्या कर सकता हूँ, बैक टू स्टोर. ओके, एंड आई कैन इम्पोर्ट इट हियर. ओके, इम्पोर्ट फ्रॉम ./slice टू डू एंड इसमें हमारे पास क्या होगा, आई कैन से टू डू रिड्यूसर. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल से टू डू एंड देन दिस टू डू रिड्यूसर. ओके, सो यहाँ तक मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, ठीक है, आई कोडेड अ लिटिल बिट फास्ट बिकॉज ये हम सब कुछ पिछली वीडियो में समझ चुके हैं एंड वी हैव ऑल्सो कोडेड. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ. जब API कॉलिंग वाला पार्ट आएगा तो वहाँ पे हम थोड़ा सा स्लोली इसको कोड करने वाले हैं. सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी गोइंग टू माई index.js फाइल. तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोवाइडर को इम्पोर्ट करना है फ्रॉम React Redux. ओके, सो आई विल बी इम्पोर्टिंग प्रोवाइडर फ्रॉम हियर. ओके, एंड आई विल बी रैपिंग माई ऐप इन द प्रोवाइडर. और इस प्रोवाइडर को हमें क्या देना होता है, एक स्टोर देना होता है, करेक्ट? तो वो स्टोर हमारे पास कहाँ से आएगा, तो हमने अभी अभी एक स्टोर बनाया है इन आर Redux
फोल्डर, सो रिडक्स स्लैश स्टोर. ओके, तो ये हमारा क्या है, स्टोर. एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन से स्टोर इक्वल्स टू स्टोर. तो अब हमारा क्या है, हमारा रिडक्स सेटअप हो चुका है, राइट. सो वी हैव अ स्टोर हेयर एंड देन वी हैव अ टू डू स्लाइस हेयर. एंड हमने क्या किया, हमारे ऐप को प्रोवाइडर कॉम्पोनेंट के अंदर ऐप भी कर दिया. नाउ वी आर रेडी टू यूज़ रिडक्स. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन मेक ए पी आई कॉल. तो मैंने यहाँ पर क्या है, मेरा हमारे पास एक ए पी आई है फ्रॉम जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है. इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो ये ए पी आई क्या करता है, ये हमें टू डूज देता है, करेक्ट. वी हैव सम टू डूज हेयर. तो हमें क्या करना है, हमें रिडक्स के थ्रू इस ए पी आई से इस टू डूज को फेच करना है, ठीक है. हमारा फ्लो क्या रहेगा, हम यूज़र को एक बटन देंगे फेच टू डूज. ओके, जब यूज़र उस फेच टू डूज के ऊपर क्लिक करेगा, विल मेक ए विल डिस्पैच अ एक्शन. हम उस बटन के क्लिक पे एक एक्शन को डिस्पैच करेंगे. वो एक्शन क्या करेगा, हमारे लिए इन टू डूज को पहले फेच करेगा, देन इसको स्टोर में डाल देगा. एंड जैसे ही स्टोर अपडेट होगा, व्हाट हैपन्स यू नो, राइट. तो हमारा जो यूज सिलेक्टर हुक होता है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो एक्टिवेट हो जाएगा. एंड वो क्या करेगा, हमारे कॉम्पोनेंट को रीरेंडर कर देगा. तो एक बार समझते हैं कैसे. सो वॉट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको टू डू डॉट जे एस, जो आपका स्लाइस है, इसमें जाना है. एंड इसमें व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंपोर्ट अ फंक्शन नोन एज क्रिएट एसिंक थंक. ओके, थंक क्या होता है, बेसिकली थंक एक कंसेप्ट है, लाइक एक कंसेप्ट है रिडक्स में, दैट इज नोन फॉर मिडलवेयर. ओके, जब हमें कोई डिले टास्क करना होता है, जैसे कोई एपीआई कॉल करना है या फिर किसी भी तरह का डिलेड टास्क करना है, तो हम थंक मिडलवेयर का यूज करते हैं इन रिडक्स, ठीक है. सो सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट. ओके, तो हम क्या करने वाले, एक एक्शन बनाने वाले हैं. लेट्स से मेरे एक्शन का नाम क्या है, फेच टू डूज, करेक्ट. एंड आई विल मेक इट इक्वल टू क्रिएट एसिंक थंक, ठीक है. नाउ सबसे पहले क्या होता है, जब हम इस क्रिएट एसिंक थंक का यूज़ करते हैं, सबसे पहले वी गिव इट अ नेम. लेट्स से आर नेम इज फेच टू डूज. ओके, देन वी हैव अ कॉल बैक फंक्शन, ठीक है. यानी कि क्या होगा, जब ये फेच टू डूज एक्शन डिस्पैच होगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन रन होने वाला है. सो वॉट आई कैन से async, ओके, आई हैव अ async कॉल बैक फंक्शन. तो यहाँ पर मैं अपनी ए पी आई कॉलिंग कर सकता हूँ. सो सी वॉट आई विल बी डूइंग, आई विल से const response equals await fetch, ठीक है. तो हम फेच करने वाले हैं, हमें क्या फेच करना है, सो आई कैन कॉपी दिस यू आर एल हेयर, करेक्ट. एंड देन वॉट आई कैन डू, आई हैव टू रिटर्न द डेटा फ्रॉम हेयर. सो आई कैन से response डॉट json, ठीक है. तो इससे क्या होगा, जैसे हम इस फेच टू डूज एक्शन को, ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ, दैट इज एन एक्शन. तो जैसे मैं इस एक्शन को डिस्पैच करूँगा, तो क्या होगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, एक एपीआई कॉल करेगा ऑन दिस यूआरएल. और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उस रिस्पॉन्स को जेसन में पार्स करके हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, करेक्ट. तो ये तो हुआ हमारा एक्शन का काम. लेकिन जो इसका डेटा है, ओके, जो इसका डेटा आने वाला है, वो हमारे पास नहीं आएगा जहाँ से हम इसको डिस्पैच करेंगे. इसका डेटा ऑटोमेटिकली हमारे स्टोर में चले जाना चाहिए, राइट. तो ये डेटा को हमारे जो ये जो हमारा स्लाइस है, बेसिकली जो हमारा स्टोर है, उसके अंदर हम इसको कैसे डिस्पैच कर सकते हैं. सी व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक अ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, ठीक है. एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स क्या होता है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स इज बेसिकली अ फंक्शन, ओके, जिसमें हमारे पास एक बिल्डर होता है, ओके, बिल्डर, ठीक है. तो ये बिल्डर को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लिसन टू दी यू नो चेंजेस टू दी फेच टू डूज. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं अभी समझाता हूँ कैसे. फॉर एग्जांपल, जब हम एक एपीआई को कॉल करते हैं, तो क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो एपीआई स्टार्ट होता है, आई कैन से दैट एपीआई कॉल इज इन पेंडिंग स्टेट, करेक्ट. उसके बाद जब वो फेच हो जाएगा, आई कैन से दैट ओके लाइक सक्सेस हो गया, राइट, मेरे पास डेटा आ गया. या फिर तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मेरी वो एपीआई कॉल फेल हो जाए. तो हम इन तीनों सिनेरियोज को हैंडल कर सकते हैं हमारे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स में. कैसे, आई से बिल्डर डॉट एड केस, ओके, एड केस, यहाँ पर हमें केस ऐड करना है. तो व्हाट आई से, आई से फेच टू डूज, ये फेच टू डूज डॉट, ठीक है. तो इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, डॉट लेट से सक्सेस हो गया, ओके. सो आई से डॉट लाइक वी हैव पेंडिंग हेयर, ओके, रिजेक्टेड है हमारे पास, एंड वी हैव अ फुलफिल्ड. सो व्हाट आई से कि जब हमारा ये पर्टिकुलर एपीआई कॉल फुलफिल हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है, सो आई से आई हैव अ स्टेट हियर, ठीक है, एंड मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, एक्शन. नाउ सी, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट बनाते हैं, ठीक है. इनिशियल स्टेट, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने एक काउंटर ऐप बनाया था, राइट. तो इनिशियल स्टेट में हम क्या करने वाले हैं, इनिशियल स्टेट में आई से
is loading, okay? इसको हम क्या कर देंगे, false, loading नहीं हो रहा है, and I have a data which is equals to null. तो अगर, now see, जब हमारा जो builder add case किया हमने, कि जो हमारी API call है वो fulfill हो चुकी है, तो इसमें what I'll say state dot is loading false, ठीक है, हमारी loading नहीं होनी चाहिए, and I'll say state dot data equals to action dot payload. बेसिकली क्या हुआ, डेटा आ चुका है, राइट? तो मैंने क्या किया, लोडिंग को फॉल्स कर दिया और डेटा को मैंने, जो भी हमारा डेटा फेच हुआ, मतलब जो भी यहाँ से आप रिटर्न करोगे वो हमारे इस एक्शन डॉट पेलोड में आ जाएगा, ठीक है? बिकॉज हम किस पर्टिकुलर केस पे लिसन कर रहे हैं, वी आर लिसनिंग ऑन द फुलफिल्ड. सिमिलरली आई कैन हैव वन मोर केस, आई कैन से बिल्डर डॉट एड केस. इसमें हम क्या करेंगे, फेच टू डूज डॉट पेंडिंग. इसका मतलब है अभी API कॉल गई है लेकिन अभी तक डेटा रिटर्न नहीं हुआ है. सो आई कैन से सिमिलरली स्टेट एंड एक्शन. तो इसमें मैं बस क्या करने वाला हूँ, आई विल से इज लोडिंग ट्रू, नॉट लाइक दिस, स्टेट डॉट इज लोडिंग टू ट्रू, कि मतलब लोडिंग हो रहा है, करेक्ट? और अगर कोई एरर आ जाता है, बेसिकली देयर इज एन एरर इन API कॉल, सो व्हाट आई कैन से इज एरर, ठीक है, एक एरर रख लेते हैं विच इज लाइक बाय डिफॉल्ट फॉल्स. सो व्हाट आई विल से बिल्डर डॉट एड केस, फेच टू डू जो हमारा एक्शन है, डॉट रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्ट हो गया. सो आई विल से स्टेट एक्शन. सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कॉन्सोल डॉट लॉग एरर, कुछ एरर आ गया बेसिकली, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एक्शन डॉट पेलोड को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग, एंड स्टेट का इज एरर को हम ट्रू कर देंगे, ओके? तो इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि इफ देयर इज एनी एरर और नॉट, ठीक है. इतना ही काम था, लाइक फ्रॉम द स्लाइस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द एसिंक थंग, इतना ही काम था सिर्फ. अब इसको यूज़ कैसे करना है वो दिखाता हूँ. वॉट आई डू, आई गो टू माई इंडेक्स फाइल, नॉट द इंडेक्स, एप डॉट जे एस में जाऊँगा, ठीक है, विच इज़ लाइक दिस फाइल, करेक्ट? एंड यू कैन सी हमारा ये भी लाइक ये भी एक्टिव है, करेक्ट? सो वॉट आई डू, सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं जो हमारा डिफॉल्ट कोड है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एंड इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, करेक्ट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, ठीक है, बटन, एंड आई विल से फेच टू डूज, करेक्ट? तो ये वाला जो बटन है, बेसिकली आई वॉन्ट कि इसके क्लिक पे मेरे जो टू डूज हैं वो फेच हो जाए. तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आई विल से, तो सबसे पहले हमें कुछ हुक्स को इम्पोर्ट करना है, करेक्ट? तो आई विल से फ्रॉम रिएक्ट रीडक्स, तो इसमें हमारे पास एक होता है यूज डिस्पैच, करेक्ट, यूज डिस्पैच, एंड एक और हुक होता है हमारे पास यूज सिलेक्टर. तो इन दो हुक्स का यूज करने वाले हैं, डिस्पैच फॉर डिस्पैचिंग द एक्शंस, और सिलेक्टर स्टेट को, मतलब हमारे स्टोर में से स्टेट को रिट्रीव करने के लिए. सो आई विल से, तो मैं क्या चाहता हूँ, इस फेच टू डूज में बेसिकली मुझे एक एक्शन डिस्पैच करना है, ठीक है? कौन सा एक्शन डिस्पैच करना है, ये वाला एक्शन मुझे डिस्पैच करना है, फेच टू डूज. तो इसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर. तो आई विल से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रीडक्स स्लैश स्लाइस, तो इसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं, तो फ्रॉम स्लाइस स्लैश टू डू, ओके? सो लेट्स इम्पोर्ट फेच टू डूज. तो ये हमारा क्या है, एक एक्शन है. सो हमें क्या करना है, आई विल से कॉन्स्ट डिस्पैच equals use dispatch, correct? And then I'll say इस button के click पर, basically on click of this button, I'll say कि यार कुछ dispatch कर दो. क्या dispatch करना है, fetch to do's, fetch to do's को dispatch कर दो, ठीक है? तो अब देखते हैं क्या होगा. हम अपने redux tools को भी open कर लेते हैं, तो अभी as you can see हमारे पास किसी भी तरह का कोई action नहीं है. जैसे मैं fetch to do's पर click करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, पहले क्या आया, फेच टू डू स्पेंडिंग, ओके, फेच टू डू स्पेंडिंग, एंड उसके बाद जैसे ही फुलफिल हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, फुलफिल में पेलोड आया. पेलोड में हमारे पास एज यू कैन सी सारे ये हमारे टू डूज आ चुके हैं यहाँ से, ओके? बेसिकली क्या हुआ, जैसे मैंने फेच के ऊपर क्लिक किया, हमारा डिस्पैच हुआ फेच टू डूज. फेच टू डूज ने क्या किया, API कॉल को स्टार्ट किया. जैसे ही API कॉल स्टार्ट हुई, हमारा पेंडिंग, लाइक दिस पेंडिंग विल एक्टिवेट, ठीक है, हमारा पेंडिंग हो गया. एंड उसके बाद जब वो फुलफिल हो गया, हमारा कुछ एरर तो नहीं आया, तो हमारा ये फुलफिल हुआ और हमने क्या किया, हमारे स्टेट के डेटा में हमने इस एक्शन पेलोड को रख दिया, ठीक है? तो अब देखते हैं इसको हम रिट्रीव करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है. सो आई विल से कॉन्स्ट स्टेट इक्वल्स यूज सिलेक्टर, करेक्ट? तो इसमें हमारे पास क्या होता है, स्टेट होती है, एंड हम स्टेट को एज इट इज रिटर्न कर देते हैं. एंड लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर हम कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं स्टेट को. सो आई विल से स्टेट स्टेट, ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन आर स्टेट. तो इंस्पेक्ट करते हैं, लेट्स गो टू कॉन्सोल. तो हमारे पास अभी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें हमारे पास एक एरे है, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं. सो नाउ वी हैव अ टू डू, ठीक है, इज लोडिंग फॉल्स, ठीक है, लोडिंग नहीं हो रहा है, एरर भी नहीं है और डेटा भी नहीं है.
फेच करते हैं। जैसे मैंने फेच किया तो क्या हुआ, इसको भी एक्सपैंड करते हैं ठीक है। यहाँ पर तो पहले एक लोडिंग ट्रू हुआ, बेसिकली डेटा नहीं है, ट्रू हुआ, मतलब हमारी API कॉल स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा डेटा फेच हो गया तो हमारा लोडिंग फॉल्स हो गया एंड हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है ठीक है। इसको स्क्रीन पर रेंडर करके देखते हैं कैसा लगता है। सो व्हाट आई विल से इफ़ स्टेट डॉट डॉट टू डू डॉट इज़ लोडिंग, अगर वो लोडिंग हो रहा है करेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, आई विल से रिटर्न ठीक है, एक H1 रिटर्न कर देते हैं दैट लोडिंग करेक्ट। अगर वो लोड हो चुका है दैट मीन्स हियर, सो व्हाट आई विल से स्टेट डॉट टू डू ठीक है डॉट डेटा, अगर डेटा है सो आई विल से डॉट मैप, हम डेटा के ऊपर मैप करेंगे। एंड व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी क्रिएटिंग अ लिस्ट ठीक है, एक लिस्ट टैग क्रिएट करेंगे एंड इसमें हम अपना टू डू डाल देते हैं। सो दैट इज़ ई डॉट, लेट्स सी कि हमारी क्या की है वो, तो ई डॉट टाइटल ठीक है। तो ई डॉट टाइटल को हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सोल डॉट मतलब हम रेंडर कर देंगे स्क्रीन पे। तो ये हमारे टू डूज आ चुके हैं बेसिकली। तो इसको मैं क्लोज करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ ठीक है। तो अभी क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, वाई वी डोंट हैव नथिंग, लेट्स डू अ रिफ्रेश अगेन। हाँ, हमारे पास फेच टू डूज भी नहीं आ रहा है बिकॉज वी डोंट हैव द डेटा राइट। तो यहाँ पर हमें एक नल चेक करना है, इफ़ डेटा एंड एन ओके, तो अगर डेटा है तो ही रेंडर करे या सो वी हैव फेच टू डूज। अब देखना क्या होगा, जैसे ही मैं फेच टू डूज पे क्लिक करता हूँ, आई हैव अ लोडिंग एंड उसके बाद क्या हुआ, आई गॉट दिस टू डूज ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या किया, लेट्स गो टू आर स्लाइस। बेसिकली व्हेन यू वांट टू मेक एन API कॉल यूजिंग रिडक्स, तो हम क्या करते हैं, क्रिएट एसिंक थंक का यूज़ करते हैं, सॉरी फॉर दैट ठीक है। तो ये थंक क्या करता है, ये हमें एक एक्शन बना के देता है, इस एक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं राइट, वी कैन डिस्पैच दिस एक्शन ठीक है। और ये टू डूज क्या करेगा, बेसिकली ये हमें टू डूज फेच करेगा और ये हमारे स्टेट में रख देगा उसे। तो स्टेट में रखने के लिए वी डू एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, इसमें हमने तीन केसेस ऐड किए राइट, पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड, एंड तीनों में हमने क्या किया, हमने स्टेट को बेसिकली मॉडिफाई किया अकॉर्डिंगली। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये फुलफिल्ड हुआ ओके, जब हमारी API कॉल फुलफिल्ड हुई, हमने बोला स्टोर डॉट डेटा इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड में ये वाला जो भी आप यहाँ से रिटर्न करोगे वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। एंड जैसे ही हमारी स्टेट चेंज होती है, हमारा यूज सिलेक्टर हुक बेसिकली एक्टिवेट हो जाता है एंड री रेंडर्स आर कॉम्पोनेंट। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक API कॉल्स इन रिएक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।